यहाँ पर ये जताने आया हूँ कि माइक खाली है ना, इंडस्ट्री ने एक थोड़ा खाली बहुत थोड़ा बड़ी खाली। दौलत को खो दी आज। के जो है वो बहुत अच्छे इंसान थे, ये बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, और बहुत बड़े कलाकार तो थे ही वो, और उसका चमत्कार, उसका मैजिक आप देखिएगा कि पूरा देश आज जो है वो कंडोलेंसेस दे रहा है इसके डेथ के लिए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ जो उसका कनेक्ट है वो बाकायदा बहुत ही इम्पैक्टफुल कनेक्ट है उसका, पर थोड़ा नीचे, पर उसके वजह से, उसके पर थोड़ा नीचे, हाँ बस, तो पूरी इंडस्ट्री का लॉस तो वो है ही है इसमें, कोई पारस नीचे, पारस ऊपर जा रहा है, विश्वास भी हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं है, अंदर जाने में भी पैर थरथरा रहे हैं। कोई सलीम मेरे साथ था, सलीम भी ये बोल रहा है कि मैं मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये नहीं है बीच में। और इनफैक्ट जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, मुझे लगता है कि ये किसी के साथ ना हो, यंग डायनेमिक परफॉर्मर, सिंगर एंड आर्टिस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री। उस दौर की गायकों के साथ लेकर आज के इन नए गायकों के साथ भी बाकायदा वो अपनी जगह बनाए हुए थे, क्या वजह आपकी? उसका टैलेंट, गिरीश माइक सिंगिंग, वो गाता रहा, मेहनत करता रहा, लगा रहा, और सबके साथ, हर कंपोजर के साथ, हर म्यूजिशियन के साथ उसका बिहेवियर जो था बहुत कमाल था, इसलिए पूरी इंडस्ट्री उसको प्यार करती थी, इंडस्ट्री ने उसको अपनाया था, और अच्छे अच्छे गाने उसने गाए, और अच्छे, उसकी नीयत इतनी अच्छी थी कि उसके सारे गाने हिट हुए, उसमें ज़रा भी खोट नहीं थी, ज़रा भी खोट नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से गया है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी आहत है। इसकी बात है जी, तो ओरिजिनल वॉइस लेके आए जो ओरिजिनल सिंगर है, लाइमलाइट से हमेशा दूर रहे, वो कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं कि वो सामने स्टारडम के सामने आए, अलग रहे हमेशा। बाइक पूरी कर दें सर, बाइक पूरी कर दें। ये सब बातें बिल्कुल अफवाह है कि वहाँ पे एसी बंद कर दिया गया था या वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है, मैं सिर्फ 15 दिन पहले वहाँ से आया हूँ, 15 दिन पहले वहीं पे शुरू किया था, उतनी भीड़ कागज भरी हुई थी। लेकिन दुख की बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जिनको पब्लिक छोड़ना नहीं चाहती, तो वो स्टेज में आग देख रहे थे, अगर वो टावेल ले रहे हैं तो वो हर एक को होता है, ये जोश होता है, और हर आर्टिस्ट चाहता है कि ऑडियंस उसकी पागल हो जाए। तो केके में ऐसी बात मैं नहीं बोल सकता, केके के गानों में ऐसी बात है कि हर इंसान, हर उम्र के लोग उसके गानों को सुनते हैं। सिर्फ आज से नहीं, ऑलमोस्ट 20 इयर्स, जब मैंने शुरू किया था, मेरे थोड़े दिन बाद ही वो आया, और मैं पूरे मीडिया के सामने आज कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी जल्दी किसी का फैन नहीं होता हूँ। किशोर कुमार के बाद शायद मैं किसी का फैन बनाऊँ, लेकिन केके का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हमेशा रहूँगा। मेरे गानों, मेरे घर पे गाने केके का सबसे ज़्यादा चलते हैं, मेरा बेटा कभी कोशिश करता है गाने की तो वो भी केके के ही गाने गाता है। सो ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो रूमर है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए कि वहाँ पे ऑडिटोरियम में ये नहीं है, वो नहीं है। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था, लेकिन तबीयत खराब थी वो, मुझे लगता है कि वो होटल चले गए उसकी जगह। अगर आजू बाजू, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इस तरह के ऑडिटोरियम में एक मेडिकल वैन और मेडिकल फैसिलिटीज जरूर रखनी चाहिए जहां पे इतना क्राउड होता है। बस मेरी विनती इतनी है कि शायद वो होटल जाने की जगह अगर हॉस्पिटल चले जाते तो शायद आज हमारे सर। आपके परिवार से बात कभी की, लगता कभी कोई बीमारी कभी थी, थोड़ा कभी बीमार थे? उनके जो डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ हुआ था एक बार फ्लाइट में, क्योंकि मेरे साथ था, हम भी उसी समय कलकत्ता ही जा रहे थे, सेम डे हमारा शो था एक जगह, केके ने मुझे उसी टाइम फ्लाइट से अपने डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर शेट्टी जो नीचे सुबह बात किया, बोला केके को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई वो जितना मीडिया में आ रहा कि लीवर का प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था, सिर्फ उसको आजकल थोड़ा सा पेट का गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम था। केके बिल्कुल फिट आदमी है, फिट आदमी था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था।